हेलो एवरीवन, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक। टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या होती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन? मान लो आपको बोला कि एक बोतल है, बोतल के अंदर हमने कोई केमिकल डाल दिया, उस केमिकल के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट। अब आपको बोला भाई बोतल के अंदर ना जो केमिकल है इसका नाम बता दिया, अब आपने बताना है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। अब ऐसे सोचो तो पता नहीं क्या है ना, कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज? तो जैसे हम निकालते हैं ना अपने मार्क्स की परसेंटेज, कैसे निकालते हैं मार्क्स की परसेंटेज? मार्क्स ऑब्टेंड, हमारे कितने मार्क्स आते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे टोटल मार्क्स, नॉट हमारे जो ओवरऑल जो स्कोर होता है हर सब्जेक्ट का। जैसे 500 का टोटल है, 5 सब्जेक्ट्स है, 500 टोटल, उसमें से हमारे कितने मार्क्स आए, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। सेम केस इस टॉपिक में परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, हमें हर एलिमेंट के परसेंटेज इसमें डिटरमिन करनी होती है। कैसे? फॉर्मूला लगाते हैं मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का, कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो कैसे लिखेंगे, उस एलिमेंट का मास ओवर मोलर मास ऑफ कंपाउंड, क्योंकि यहां पर मार्क्स ऑब्टेंड नहीं होते है ना। इसने कोई इंग्लिश हिंदी या ग्रामर का कोई पेपर नहीं दिया हुआ कि हम टोटल यहां पर 500 लिखेंगे, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम यहां पर 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कैसे? अब हम देखते हैं क्वेश्चन में। जैसे आपको दिया क्वेश्चन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन Na2CO3 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, सो दैट से पहले फॉर्मूला लिखो, फिर क्या गिवन है वैल्यूज वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया मास परसेंटेज, मास परसेंटेज हमें हर एलिमेंट का बताना है। अब अगर हम Na2CO3 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है Na, दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे कार्बन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो मास परसेंटेज हमें तीनों की कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम यहां पर लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ Na, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितने Na गिवन है हमारे पास, 2। सोडियम का मास कितना होता है, 23। कैसे पता? सोडियम का एटमिक नंबर 11 होता है, मास क्या होगा डबल, क्योंकि ओड है तो डबल करके उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास 2 Na है, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 23 से ओवर Na2CO3 का मास, ठीक है। तो 23 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 to the 6, 2 to the 4, 46, प्लस कार्बन का मास 12, प्लस ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 16 से। तो 16 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 100 के साथ। तो यहां पर जब करेंगे 3 to the 6, 2 to the 4, 46 ओवर, इसको प्लस करो, 46 प्लस 12 प्लस, कैलकुलेशन आपके साथ ही कर रही हूँ सो दैट आपको बेटा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, आपको ना लगे कि मैम ने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, हमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है। तो ध्यान से देखो, आपके सामने हर एक चीज लिखी जा रही है, ध्यान से चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, कैलकुलेशन हाथ से खुद करके देखो। ऐसा ना हो कि आप वैल्यू पुटिंग करो, हाँ समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो अटकता है वो कैलकुलेशन में अटकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 16 6 12 18, 8 इधर 1, ऊपर 3 1 3 और 1 4 48, ठीक है, यही आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 10 10 प्लस 6 16, 6 यहाँ पे 1 ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10 106 106 आ गया। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, यहाँ पर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 के टेबल से जिसको अच्छे से डिवाइड करना आता है वो बच्चा कर ले, जिसको नहीं आता वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो 2 के टेबल से स्टार्ट करेगा, क्योंकि 2 का टेबल ऐसा टेबल होता है जो हर बच्चे को आता है, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे क्या आएगा, 3, 2 5 द 10, 2 3 द 6, 23 बाय 53,
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं 100 को हमेशा साइड में रखेंगे, 100 मल्टीप्लाई में हो 100 डिवाइड में, उसको हमेशा साइड में ही रखा जाता है। तो यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे 23/53। तो देखो लगभग ये इसका डबल है, 23 का डबल आ रहा है यहां पर हमारे पास, तो फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो 23 यहां लिखा, 53 इसके डबल पे नहीं जा रहा, क्या करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, राइट। अब इसे कितने पे करें मल्टीप्लाई, देखो 5 5 25 होता है, 5 5 25, तो और ये 53 दे रखा है, तो मतलब 5 5 25 वैल्यू 23 है, तो 5 पे नहीं जाएगा, इसलिए हम 53 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 3 12, 5 4 20, 21 2 12, तो 4 पे गया 0.4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, अब यहाँ से 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 1, राइट। आगे क्या करेंगे हम, फिर से यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अब 0 लिख रहे हैं, कितने पे जा रहा है, 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, यहाँ पे 18 है, तो 3 पे हमारा काम चल सकता है। तो करके देखते हैं 53 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 5 3 15 159, ठीक है, तो बिल्कुल सही है जैसा कि हमने डिस्कस किया ही था, 43, तो ये कितना आ जाएगा 159, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.43 आया, आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.43 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.43 को 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 43%, ठीक है। तो सोडियम कितनी प्रेजेंट है इसके अंदर, इस फॉर्मूले में 43%, देखो बेटा सोडियम ही प्रेजेंट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बन, तो अब हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगली चीज क्या आती है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना होता है हमारे पास 12, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल हमारे पास टोटल मास था 106 था, तो यहाँ पर 12 को हम 106 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको फिर से कट करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर कटिंग में प्रॉब्लम आती है तो हम 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 6/53, ठीक है, 6/53। अब यहां पे देखते हैं 6 है ये 2, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट लगा के 0, ठीक है, चला जाएगा 1 पे, क्या आएगा 53, राइट। क्या बचा यहाँ पे 7, फिर से लगाया 0, अब 53 5 to the 10, यानी कि 3 डिजिट नंबर आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर है, तो फिर से 1 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा 53, यहाँ पर आया 7, 6 से 1 गया तो 17, ठीक है। आगे फिर 0 लगा के सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल हम अभी इतना ले लेते हैं, 0.11 है, 0.11 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, पॉइंट हटेगा डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, दोनों कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा 11% आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। आई होप यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मूला में, देखो सोडियम का हमने सॉल्व कर लिया, कार्बन का हमने सॉल्व कर लिया, अब बचा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बचा है तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ, यही लिख लेते हैं, पीछे इसके साथ ही स्पेस है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने गिवन है क्वेश्चन में, 3, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के मास से, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16 डिवाइडेड बाय 106, मल्टीप्लाई कितने से 100 से। अब बात आते हैं इसकी कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगता है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, क्या आपको पता है टोटल परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है 100, ठीक है। सोडियम का हम आंसर निकाल चुके हैं, कितना आंसर था सोडियम का हमारे पास 43%, सोडियम कितनी थी 43%, ओवरऑल 100% होता है, इसमें से हम सोडियम और ये जो हमने कार्बन निकाला 11%, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो इसे प्लस करते आंसर कितना आएगा 33 प्लस 1
43 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 54 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46%। चेक करो क्या यही आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दो 46%। मतलब देखो वो टाइम जो था यहाँ पर आपको इसे कटिंग करने में टाइम लगता, सॉल्व करने में टाइम लगता, आपने क्या करा इससे ऊपर जो भी दो वैल्यूज थी उनको आपने प्लस करके उनकी परसेंटेज को 100 में से माइनस कर दिया, तो जो बेटा आपके पास आंसर आया वो मास परसेंटेज किसकी आ गई है, ऑक्सीजन की। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया। ऐसा ही अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। आपको कैलकुलेट करना है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ MgSO4। ठीक है, MgSO4 दिया है, इसमें आपने मास परसेंटेज हर एलिमेंट की कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे वो देखते हैं। ओके, तो यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले हम क्या लिखते हैं बेटा फॉर्मूला, तो यहां पर लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम होता है इसका कितने मैग्नीशियम है क्वेश्चन में दिए गए, ओनली वन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24 ओवर। ठीक है, टोटल मास निकालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम का मास 24, सल्फर प्लस करेंगे सल्फर का मास कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितनी दी हुई है 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के मास से यानी कि 16 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 24, 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 2 5, प्लस 16 4 का क्या होता 64 होता है, चेक कर लो फिर भी, वही 4 6 का 24, 4 आ गया 2 ऊपर, 4 1 जा 4, 5 6 64। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा 24, अब ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 6 और 6 12 120। ओके, अभी कोई चीज मिसिंग है? बिल्कुल है, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा 100 से, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 वन जा 12 टू द 24, 2 के टेबल से भी कट करना चाहो तो कर सकते हो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20, आंसर विल बी 20%। ठीक है, 20% मास परसेंटेज आई है मैग्नीशियम की। इसके बाद हमें मास परसेंटेज निकालनी है यहां पर सल्फर की, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है 32, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास टोटल हम लिखेंगे कितना हमने बेटा निकाला है 120, यहां पर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे 120 मल्टीप्लाई फिर से 100 से। ठीक है, क्या होगा अब आगे, ये देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 6 का 12, 2 1 जा 2, 6 का 12। ठीक है, आगे 2 3 दा 6, 2 8 16, तो क्या आएगा 8/3 मल्टीप्लाइज 10। मैंने जैसा कि पहले बताया उसको हमेशा साइड में रहने देते हैं, चाहे वो न्यूमिरेटर हो या फिर डिनोमिनेटर, उसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अब 8 को 3 से हमने डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा, आराम से करते हैं डिवाइड, गलती नहीं होनी चाहिए, ये लिखा 8 यहां लिखा 3, 3 1 3 3 2 6 2। ठीक है, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा 2 6 18 2.6। ठीक है, आगे भी कुछ आ रहा है क्या इसमें, देखो ध्यान से 3 2 6 26 हो गया। ओके, बस लिख लिया 2.6 मल्टीप्लाई किया 10 से, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 26%। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं हम अपना लिखेंगे तो पूरा ही, क्योंकि पेपर में अच्छा लगता है कि भाई हाँ बच्चे ने सारा कुछ लिखा हुआ, लेकिन करेंगे लास्ट में स्मार्ट वर्क। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट था, 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से,
ओवरऑल जो डिवाइड है हमारा किसके साथ होगा, 120 के साथ। यहाँ पर 120 लिखा मल्टीप्लाइज 100। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करना है, हमने जो पीछे कैलकुलेशन करी है उसको क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। तो पीछे हमारे पास जो रिजल्ट आया है मैग्नीशियम का 20% और इसका आया था 26% रिजल्ट। तो यहाँ पर एक हमारे पास 20 है, दूसरा 26 है, दोनों को प्लस कर रहे हैं 6 to 4, 46%। यानी कि मैग्नीशियम और सल्फर की बात करें तो ये 46% रिजल्ट दे रहा है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के लिए हमें 100 में से 46 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 64%। देखो 64% आ रहा है, 4, 6, 6, 4 है ना, रिवर्स हो गया यहाँ पे। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 64% मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन देते हैं इसी पर बेस्ड सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 का मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ CaCO3 कैन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम, बार बार लिखने की बजाय इसे पॉइंट में लिख लेते हैं, ऑफ ईच एलिमेंट, एक सेकेंड, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ, ईच एलिमेंट ऑफ किस किस का, फर्स्ट पार्ट लिखो, ये खुद से करोगे बेटा और इसका आंसर बताओगे। पहला CaCO3, नेक्स्ट लिखो Na2CO3, थर्ड लिखो FeSO4। ठीक है, तो ये आप इनकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और आप इसका आंसर बताओगे कि हर एलिमेंट का आंसर कितना आता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया, मास परसेंटेज आप निकाल सकते हो। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई है। सो एट लास्ट व्हाट वी से, कीप स्टडिंग, है ना, अच्छे से पढ़ते रहो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।